अगर मैं तो आपके YouTube चैनल आपके सर्च में नहीं आता, अगर आप अपना नाम सर्च करते हैं फिर भी आपका चैनल नहीं आता। जैसे मैं यहाँ अपना नाम सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे सौरभ गुरुजी, ठीक है, और इसके बाद आपका चैनल इस तरीके से आपका सर्च में नहीं आता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चैनल फर्स्ट में ही, और किस तरीके से अपने ही चैनल को ऊपर सर्च में रैंक कराएंगे, तो किस तरीके से लाएंगे आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो आप सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे आपको टाइप में सर्च करना है बाइटी स्टूडियो, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब बाइटी स्टूडियो आपको सर्च कर लेना है। जब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा तो आपको यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। डेस्कटॉप मोड पे आपने बाइटी स्टूडियो यहाँ पे लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में बाइटी स्टूडियो लॉगिन हो रहा है। तो जब इस तरीके से आपका बाइटी स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा आपका चैनल फर्स्ट में ही रैंक करेगा इस सेटिंग को करने के बाद। सेटिंग करने के बाद आपका चैनल फर्स्ट में ही रैंक करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र में मेरा बाइटी स्टूडियो ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपके सामने एक इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या, आपको एक चैनल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ चैनल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। और जब चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चैनल फर्स्ट में क्यों रैंक कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने पूरे चैनल के यहाँ पे कीबोर्ड्स डाल रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कई सारे कीबोर्ड यहाँ पे डाल रखे हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे सौरभ गुरु जी, मतलब यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी और अपना नाम के यहाँ पे मैंने कम से कम 10-15 कीबोर्ड डाल रखे हैं। तो आपको यहाँ पे 4-5 कीबोर्ड डाल दे रहे हैं अपने चैनल के, ठीक है, अपने नाम के। यहाँ पे देख सकते हैं जब चैनल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड डाल लेने इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक कीबोर्ड डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कीबोर्ड डालेंगे जैसे सौरभ गुरुजी, यहाँ पे मैंने डाल दिया सौरभ गुरुजी टीच, यहाँ पे मैंने सौरभ गुरुजी टेक्निकल डाल दिया, ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना आपको यहाँ पे कम से कम 10-15 टैग लगा लें अपने नाम के, या फिर मान लीजिए 4-5 टैग तो आपके जरूर हो जो फर्स्ट में आपका चैनल रैंक करे, क्योंकि इस चीज से ही आपका चैनल जो ना ग्रो होता है। चैनल सर्च में आएगा तो कोई भी बंदा आएगा तो आपके चैनल को सर्च करेगा तो आपका चैनल फर्स्ट में आएगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और आपकी वीडियो को वॉच भी करेगा, देखेगा भी। तो आपको ऐसे कीबोर्ड डाल लेने हैं यहाँ पे जिससे कि चैनल फर्स्ट में आ जाए और फर्स्ट में रैंक करने लगे। आपको ये काम जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे ना तभी आपका चैनल फर्स्ट में आएगा और रैंक करेगा। आपको जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारे टैग्स यहाँ पे डाल रखे हैं और मेरा चैनल आपको फर्स्ट में मिला होगा। जैसे मैंने सर्च किया सौरभ गुरुजी तो आपको फर्स्ट में ही मेरा चैनल मिलेगा। तो आपको इस तरीके के कीबोर्ड डाल लेना है। आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिलेगा तो आपको सिंपल यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है, यहाँ पे हमने सेव कर दिया। और दूसरी सेटिंग आपको कर लेनी है, एक और बता देता हूँ, फिर से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ऐसे ही पेज ओपन आएगा। तो आपको सिंपली उसी ऑप्शन पे जाना है, चैनल वाले पे, ठीक है। चैनल वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में ब्राउज फ्यूचर का, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे देख लेना, आपको लास्ट में देख लेना आपके तीनों ऑप्शन ऑन है, सेम तरीके से है नहीं है, ठीक है। आपको यही काम करना है बस, ये आपको कीबोर्ड जरूर लगा लेने हैं। अगर आप कीबोर्ड लगाएंगे ना सर्च में जाएगा और ग्रो होगा, इसी तरीके से आपका चैनल ग्रो होगा। कोई भी बंदा आएगा आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, मान के चलो फर्स्ट में चैनल आएगा, तो आपको फर्स्ट में चैनल लाने के लिए ये सेटिंग और ये कीबोर्ड डाल लेने हैं अपने चैनल के। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ मैं, तो आपको इसी तरीके से कीबोर्ड डालने, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सौरभ गुरु जी तो यहाँ पे सौरभ मैंने कई तरह के डालेंगे, सौरभ टिक्स न्यूज, मतलब इस तरह की मैंने यहाँ पे ट्रिक सौरभ गुरुजी ट्रिक, मैंने इस तरीके के बहुत सारे कीबोर्ड डाल रखे हैं। तो आपको भी इसी तरीके के कीबोर्ड डाल लेने हैं, बस सिंपली आपको करना क्या है, आपको सेव कर देना। इसी तरीके से आप अपने चैनल को फर्स्ट में रैंक करा सकते हैं, तो आपका चैनल इसी तरीके से रैंक करने लगेगा, कोई भी बंदा जाएगा आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मैं तो ये काम जरूर कर लें, आपका चैनल फर्स्ट में आ जाएगा, यानी 24-12 घंटे के बीच में आपका चैनल जो है ना फर्स्ट में आने लगेगा। आप इसी तरीके से काम करते रहिए, आपका चैनल सर्च में आ जाएगा, ठीक है, और आप ये काम जरूर कर लें तभी आपका चैनल सर्च में आएगा। तो मेरे दोस्तों आज की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।